उनका बहुत ही मशहूर हूँ। आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं हमारे साथ बात करने के लिए, तो ये जो आज का मसला है, आज हम हमेशा आपसे ये बताते थे कि टूरिज़्म की प्रमोशन, हमें कोई गेस्ट नहीं आता है, हम खाली है। आज हम आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। आज के दिन हम ये कहने के लिए हैं कि आज हमारा टूरिज़्म रिवाइवल हो गया है, नॉट ओनली फॉर द गुलमर्ग बल्कि सारे कश्मीर में इस वक्त टूरिज़्म ठीक ठाक चल रहा है। तो इस वक्त मेरे साथ हमारे होटलियर क्लब के प्रेसिडेंट जो गुलमर्ग में हैं वो साथ है, हमारे सेक्रेटरी जनरल है हमारे होटलियर क्लब के, वो है हमारे जो यहाँ 108 एसोसिएशंस है ट्रैवल ट्रेड के, जिसके हमारे मंजूर पख्तून साहब है, शौकत अहमद पख्तून साहब है हमारे जो सबसे बड़े लीडर और पुराने हमारे ट्रैवल ट्रेड के, जनाब अकरम सिया साहब है। हम कुछ जो यहाँ कन्फ्यूजन हो गया है कल से, उसको क्लियर करने के लिए यहाँ आपके साथ बैठे हैं। थैंक यू। अब या तो 25 तारीख को आ रहे हैं और 2 मार्च तक उनका यहाँ इवेंट चलेगा गुलमर्ग में, जिसके लिए सारे इंतज़ाम सारे गुलमर्ग के होटलियर उन्हें बिल्कुल शाना बशाना उनके साथ हैं। टूरिज़्म डिपार्टमेंट बहुत कोशिश कर रहा है, जिसमें ये सपोर्ट्स काउंसिल है वो उसके साथ है, सारी एडमिनिस्ट्रेशन लगी है। किसी ने कोई ज़बरदस्ती से हमने कमरा नहीं लिया है। हम ये हमारी डिमांड थी कि खेलो इंडिया हमारे गुलमर्ग में होनी चाहिए, और हम गवर्नमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के बड़े मशहूर है, टूरिज़्म डिपार्टमेंट के बड़े मशहूर है, उन्होंने ये इवेंट हमारे गुलमर्ग में रखा है। तो हम सबसे पहले उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि ये इवेंट तो और भी किसी स्टेट में हो सकता था, मगर दे मेक इट अ पॉइंट कि ये गुलमर्ग में होना चाहिए। सो हम सारे होटलियर एंड ट्रैवल ट्रेड जो हमारा है उनके खुश आमदेद के लिए वेट कर रहे हैं। 2 साल की बात तो 1 महीने में तो भरपूर नहीं हो सकती है, मगर एक शुरुआत हो गई। अब जिसने 10 दिन से खाना नहीं खाया होगा, उसके प्लेट में कुछ कबाब भी पड़े, कुछ रोगन जोश भी पड़े, मेरे ख्याल शुरुआत बहुत अच्छी है। सर, कौन सा लेन देन होना था? किसी ने हमें नहीं कहा। ये हकीकत है कि हमारा जो लीज़ था वो 40 साल का पहले वाला था, उसमें एक्सटेंशन 2018 एंड 2019 में ख़त्म हो चुका है, जिसके लिए सारे होटल वालों ने, हम लोगों ने अप्लाई किया है गवर्नमेंट को फॉर एक्सटेंशन, जो हमेशा होता रहता है। तो मगर अभी तक हमें किसी ने ये नहीं कहा हम नहीं दे देंगे। मैं परसों ही ऑनरेबल गवर्नर से मिला तो उसने मुझे बिल्कुल कहा कि हम आपको दे देंगे, हाँ अगर कहीं गलत होगा, अगर कोई कानून के तहत नहीं होगा तो उसमें उनको देखना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हम आप किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। बता पाऊँगा 7,000 किसने छोटे से रूम का दिया, बड़े के रूम का दे दिया। हमारे खैबर का वहाँ शायद 15-20 हज़ार रुपये रेट है, तो किसने 7,000 दे दिया है उसके लिए तो मैं क्या बता पाऊँगा। ये कौन, ये बिल्कुल कोई गलत खबर है। मुझे भी बहुत सारे मीडिया वालों ने फ़ोन किया, मैं तो मैंने उसी वक्त, हालांकि वो मुझे और किसी होटल, जो मेरा था भी नहीं, मगर मुझे पता है ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये तो यही नेगेटिव खबरें, तो बाकी कुछ नहीं है। कि जहाँ तक बजट का मसला है, होटल के लिए तो कुछ नहीं है, ये तो हकीकत की बात है। जबकि कल ही हमारे टूरिज़्म मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बयान दे दिया, हमने उसके लिए एक कमेटी बनाई है, नॉट फॉर ओनली कश्मीर, फॉर द सारे जो ये कोरोना में नुकसान हो गया सारे हिंदुस्तान में होटल वालों को, जब दे देंगे तब देखी जाएगी। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन, इवेंट की बात चल रही है, जहाँ तक उसकी बात है रिहैबिलिटेशन के लिए, उसके लिए बार बार हमने गवर्नमेंट को आगाह कर दिया है कि हमारे ये, वो तो सबों को पता है, ये तो कोरोना तो 8-9 महीने से है, हम तो 2 साल से हैं, ये तो सारी दुनिया को पता है। अब हमने तो बहुत कोशिश की, तो हमने तो खैरात तो नहीं मांगी थी, हम तो कहते थे बाकी तरीकों से हमें कंपनसेट कर दीजिए, शायद अब मत गवर्नमेंट कुछ करे तो हमारी इस वक्त भी